आगामी 24 सितंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली की तैयारियों का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जायजा लिया। देखिए इस मौके पर क्या कह रही है सीएम जयराम ठाकुर। युवा उत्साहित हैं और ये संभवतः पहली बार हिमाचल के इतिहास में हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे और प्रदेश के युवाओं के लिए ये अवसर बहुत एक ऐसा गौरव का अवसर है जिसको सब लोग जो है बहुत उत्साह के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश के साथ जो स्नेह है, उनका हिमाचल प्रति जो एक लगाव है, वो लगाव सदैव उनको हिमाचल प्रदेश में आकर्षित करता है, खींचता है। हिमाचल में वर्षों तक उनने काम किया है और इसलिए हिमाचल आने जाने का मन उनका हमेशा करता है। अभी हाल ही में 8 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला के रिज के मैदान से उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया। उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद पूरे भारत के पूरे देश के सभी मुख्य सचिव के साथ जो कन्क्लेव करने की बात आई तो वो धर्मशाला में 2 दिन की थी, धर्मशाला में रात्रि ठहराव किया। तो अब मंडी में खासतौर से फिर से आ रहे हैं और मंडी का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और हम पूरे उत्साह के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सर, विपक्ष लगातार हमलावर है कि सेपू बड़ी और बदाने के अलावा उनको इस बात को समझना चाहिए। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए 2 चीज़ें, बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जिसमें आने वाले समय में जब वो पूरा होगा 20,000 से ज़्यादा नौजवानों को सीधा रोजगार और 10,000 के करीब ऐसे नौजवान जिनको इनडायरेक्ट रोजगार, और 50,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट जाएगा जब ये कंप्लीट होगा। केंद्र सरकार उस प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ रुपए की जो है हमको मदद करेगी प्रदेश सरकार। और इससे पहले हमारे नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो भी हाल ही में किया है और वो भी लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार हमको मदद कर रही है। तो ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको उनकी याददाश्त को क्या हो गया है। 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हमको इन 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में कोविड के बावजूद स्वीकृत किए हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए जो बाढ़ के कारण नुकसान हुआ तो हमको जल्दी उसमें राहत के लिए पैसा भी दिया गया, केंद्र सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए दिया गया, एक बार 150 करोड़ रुपए पहले दिया गया। और अभी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आने वाले समय में अभी प्रधानमंत्री जी एम्स का इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं, क्या वो उनको दिखाई नहीं दिया तो ज़मीन पर, हिमाचल की ज़मीन पर खड़ा है कम से कम वो तो दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में संभवतः आने उधर चंबा में भी आने की संभावना है।